नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है मंगलवार और आज है नाग पंचमी। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को करने वाले इंसान हमेशा पैसों में खेलते हैं। कई घरों में ये उपाय किया हुआ भी है। जिन घरों में ये उपाय है वहां कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आज के दिन नाग देवता की पूजा होती है, आज के दिन भगवान शिव की पूजा होती है, आज के दिन पितरों की भी पूजा होती है। ये तमाम पूजाएं आपके घर को तमाम संकट से बचाती है। आज के दिन दोस्तों एक छोटा सा काम जरूर करें, कहीं से भी नाग की जो केचुल मिलती है, सांप की केचुल, जहां पूजा पाठ की दुकानें हैं वहां पर सांप की केचुल मिलती है, आप पहले देख लेना कि केचुल असली हो। कई घरों में केचुल है, आप पता लगा रहे कहीं से भी केचुल कैसे अरेंज करनी है, ये आपका काम है। आज के दिन केचुल ले, चांदी का एक सिक्का ले लें और जो आपके घर की उत्तर तरफ की दीवार है उस पर इसको चुनवा दें, केचुल के साथ एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, जैसे आपका नया मकान बन रहा है तो आप उसमें लगवा दें, या फिर दीवार में कहीं पर भी आप उसको लगा करके उसके ऊपर सीमेंट लगा दें, उसको आपको चुनवा देना है। बस जब तक आप उस मकान में रहेंगे, आप और आपका परिवार पैसों में खेलेगा। लिख ले इस चीज को, आज के दिन धन स्थान में केचुल रखने से दोस्तों आपकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वृद्धि होती है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, किताबों में केचुल रखें, पढ़ाई में प्रोग्रेस होगी। आज के दिन सांप के केचुल लाल कपड़े में बांधकर चौखट पर टांग दे, शत्रु हमेशा आपसे दबे हुए रहेंगे। जो बार बार चमक जाते हैं छोटे बच्चे, स्वप्न देखते हैं, रोने लग जाते हैं, शत्रु ज्यादा परेशान करते हैं, बार बार बीमार होते हैं, आज के दिन तांबे की तावीज में इस केचुल को डाल करके, इस केचुल को शिव मंत्र से पहले आपको अभिमंत्रित करना है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोले, इसको अभिमंत्रित कर लें, तांबे की तावीज में इसको डाल करके गले में उसको धारण करवा दें। कभी भी किसी भी तरह का संकट उसको घेर नहीं सकता। लिख लें, छोटा सा उपाय आज के दिन जरूर करें। क्या अनुभव होते कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। जय श्री कृष्ण।